देखिए, ये आप लोग सबको आप लोग सब वाकिफ़ होगा, सुना होगा न्यूज़ में कि ये 9 अगस्त 2024 को जो हमारे कोलकाता के जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे एक लेडी जो पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है, जो चेस्ट मेडिसिन की जो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, तो उसको ब्रूटली उसको रेप करके उसको मर्डर किया गया था। तो उसको उनका ड्यूटी प्लेस जो कि उनका जो सेमिनार रूम में ही उनको पाया गया था। तो उसके लिए हम जो ये जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को एक बहुत ही बड़ा बड़ा झटका हम लोगों को लगा है। और ये आए दिन मतलब इस तरह का जो हादसा जो हमेशा होता आ रहा है, हर डॉक्टर या जो कोई भी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो नर्सिंग स्टाफ हो गया या बाकी जो भी जो हमारे बाकी अन्य जो स्टाफ है उनके साथ भी हमेशा इस तरह का जो दुर्व्यवहार जो है हमेशा होता है। और खासकर जो है लेडीज़, जो इवन लेडी एम्प्लॉयज़ के लिए, डॉक्टर सिर्फ नहीं है, जो भी लेडी एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी ये एक हॉस्पिटल में ही हमारा जो एक हमेशा एक खतरा बना रहता है। तो ये चीज़ जो है जो कि बिल्कुल ही लाइक ये सही नहीं है, और हम इसे कड़ी से कड़ी जो शब्दों में हम इसको निंदा करते हैं। और उसके साथ साथ जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमारे जो होल नेशन जो इस पे का जो डॉक्टर्स जो है, तो ये अपने पीसफुली प्रोटेस्ट हर जगह पे करने लग गए। और हमारे जब 15 अगस्त के दिन जब हमारे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब ये हमारे वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स और जो डॉक्टर्स बाकी डॉक्टर्स लोग भी जब मिलकर वहाँ पे जब साइलेंटली जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब कुछ गुंडे वहाँ पे आके फिर वो जो पूरा उनका जो जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे प्रोटेस्ट करके साइलेंटली, तो वहाँ उसको वेंडलाइज किया। इवन जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को भी उन्होंने तो ये इंजूर किया बहुतों को। तो हम ये कहता है कि ये कौन से न्याय है, ये हम विक्टिम हम हैं, हमें अपने राइट के लिए या जो हमने उसके लिए हमने आवाज़ उठाया उसको आके इस तरह का वेंडलाइज करना। एक तो आप हमें या तो सांत्वना दें या तो आप हमें मदद करें, उसके बजाय आप आके हम लोगों को ही फिर से ये करें। तो ये दिस इज टोटली इनटॉलरेबल और हम उसे टॉलरेट नहीं करेंगे। ये फर्स्ट फेज है हमारा, जो IMA हेडक्वार्टर से हम लोगों को ये एक जो एक सर्कुलर जारी हुआ था हम लोगों के लिए कि तो 24 आवर्स का जो बंद जो है आज सुबह जो 17 अगस्त 6 बजे सुबह से लेके कल सुबह 8 बजे तक, ये 24 आवर्स का कल सुबह 6 बजे तक, 18 तारीख के 6 बजे तक ये 24 आवर्स हमारा रूटीन सर्विसेज जो है, जो कि OPDs हो गया या जो इलेक्टिव OTs हो गया और बाकी नॉन एसेंशियल सर्विसेज को है हम लोगों ने इसको ठप किया हुआ है। तो इसके साथ में हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश ब्रांच भी हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं। और हम लोग ये फर्स्ट फेज़ है, अगर हमें हमारा यही है कि जो इस विक्टिम है जो इस तरह है इसको जल्दी से जल्दी इसको इसको न्याय मिले इसको, क्योंकि इसको ये बिल्कुल भी मतलब लाइक किसी के लिए भी ये चीज़ जो एक बहुत ख़राब एग्जांपल है, हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा वी मे गो फॉर सेकेंड फेज़ या थर्ड फेज़ या द ये जो इंटेंसिटी जो है और बढ़ता जाएगा। तो हम गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करेंगे कि तो जल्दी से जल्दी न्याय दें। और इसमें एक और सबको बता देता हूँ कि ये हम लोग ये रूटीन सर्विसेज जो है उसको हम लोग ने रोका हुआ है, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज है जैसे कि इमरजेंसी कैजुअलिटी हो गया तो वो खुला हुआ है। तो मरीजों के लिए थोड़ा सा असुविधा है, लेकिन हम लोग उनके लिए भी सोच के हम लोग ने इमरजेंसी सर्विसेज को खुला रखा है। तो इंडोर पेशेंट्स हैं उनका जो डॉक्टर्स जो है जो एडमिटेड पेशेंट्स है जो ICU वगैरह में है, तो उनका जो देख रेख जो है वो चलता रहेगा। एमरजेंसी में उनका सर्विस चलता रहेगा, एमरजेंसी में भी आपके हर प्रकार के डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट भी आपको मिलेंगे, ऑन कॉल मिल जाएंगे, लेकिन जो रूटीन सर्विसेज जो है इसको हम लोग रोक के रखा हुआ है। पेची मेपुंग ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्टेट ब्रांच का सेक्रेटरी है हम। आज ये प्रोटेस्ट जो डॉक्टर लोग किया है, इसमें ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्टेट ब्रांच का अरुणाचल प्रदेश का सब नर्सेस से रिप्रेजेंटेटिव आज कर रहा है। बाकी नर्सेस लोग भी आ रहा है, लेकिन अभी जो नर्सेस है हम उसका तरफ से बोलेगा, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट कर रहा है सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, नर्सिंग फ्रेटर्निटी का है। क्योंकि
कि डॉक्टर बोल के नहीं है, क्योंकि एक फैमिली है हम लोग का, एक मेडिकल फैटर्निटी का फैमिली का एक बहुत बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि इसमें अभी प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो आगे जाके अभी किसी का भी हो सकता है, एक फैमिली हम लोग का मेडिकल फैमिली किसी से किसी के भी हो सकता है, कि डॉक्टर नहीं है। हम लोग एक फैमिली में बहुत सारा मेडिकल स्टाफ हम लोग का अंदर में आता है, नर्सेस आता है, डॉक्टर आता है, लैब टेक्नीशियन आता है, सैनिटरी असिस्टेंट आता है, बहुत सारा है हम मेडिकल फैटर्निटी में। अभी जाके डॉक्टर का ऐसे हुआ है, कल जाके किसी का भी हो सकता है मेडिकल फैटर्निटी का। इसलिए हम ये टोटली कंडेम करता है ये इंसिडेंट को जो कलकत्ता में रिसेंटली हुआ है, डॉक्टर का जो रेप और मर्डर हुआ है, बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है हम लोग मेडिकल फैटर्निटी का, जो लाइफ सेविंग के लिए, जो पब्लिक के लिए हम लोग लाइफ सेविंग 24 आवर्स हम लोग ड्यूटी में आता है, करने का बाद भी हम लोग का ऐसे रेप केस मर्डर केस हो रहा है, टोटली हम लोग के लिए सेफ नहीं है मेडिकल फैटर्निटी का। तो इसलिए हम टोटली कंडेम करते हैं हम लोग ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन। तो अभी जो डॉक्टर लोग का इंसिडेंट हुआ है, हम लोग 100% इसमें हम लोग जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कर रहा है उसका 100% हम सपोर्ट करेगा, लास्ट तक करेगा, जब तक जस्टिस फुलफिल नहीं होगा, जो मांग है हम लोग का वो फुलफिल नहीं होगा तब तक हम लोग का साथ देगा। और अभी जैसे कि इसी मैटरनिटी फैटर्निटी का बात नहीं है, ये पब्लिक का भी है, क्योंकि एक लेडी जो है, एक लड़की है, जो लेडीज़ है, जो अपना एक सपना देख के मेडिकल प्रोफेशन में आता है, कि लाइफ सेविंग किसी का प्रोफेशन में आने का बहुत बड़ा एक होता है, और फैमिली जो फैमिली मेम्बर्स का मदर है, फादर, पेरेंट्स लोग क्या क्या हादसा में गुजरा, उसके बहुत दुखी है इसमें। तो अभी जितना ऐसे मेडिकल फैटर्निटी का नहीं, पूरा पब्लिक के लिए भी, जो अभी इसे अरुणाचल का नहीं है, पूरा नेशनल का बात है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो अभी सिर्फ मेडिकल फैटर्निटी सपोर्ट नहीं करना, पूरा पब्लिक सपोर्ट करना है। और हम लोग का और हम कुछ बोलना नहीं चाहूँगे, आज जो प्रोटेस्ट किया है आज और कल में, हम 100% हम लोग सपोर्ट करेंगे AMI को। थैंक यू वेरी मच। आपने दो दिन का जो OTP है वो बंद किया गया है, जो मेडिकल जो केसेस आए हैं वो क्या क्या नहीं नहीं मेडिकल जो हाँ मेडिकल केसेस में जो इंदौर है, जैसे कि हम लोग इमरजेंसी में सर्विस में जो ऑलरेडी मेडिकल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो अभी ऑलरेडी ब्रीफिंग कर चुका सेक्रेटरी, जो इमरजेंसी केसेस को तो वो हैंडल करेगा, एंड इमरजेंसी केसेस को तो हम लोग का लाइफ सेविंग का है, अभी हम लोग ऑन ड्यूटी में है तो इमरजेंसी केस को हैंडल करेगा। और इंदौर पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड है, उसको अनदेखा कैसे कर सकते हैं हम लोग का। हम लोग फर्स्ट हम लोग मोटिव है पेशेंट का सर्विस देना, हम लोग नर्सिंग सर्विस देना, वो तो नर्सिंग सर्विस देगा, लेकिन अच्छा ये फुलफिल नहीं होता है IMA का जो अभी जो डिसीजन लेगा इसका, अगर क्योंकि ये नेशनल वाइड में हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जस्टिस को नहीं मानेगा, इंसिडेंट को जो फुलफिल नहीं करेगा, उसमें हम लोग नर्सेस भी आगे आएगा, पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि नर्सेस का ये डॉक्टर का बात नहीं, पर नर्सिंग फैटर पूरा मेडिकल फैटर्निटी का बात है। थैंक यू वेरी मच।